देखिए एड टू सी ओ थ्री, तो इससे कितने एन ए ऑक्सी एड करेंगे, टू टू करेंगे ना, क्योंकि एड टू सी ओ थ्री कितना एच पॉजिटिव निकालेगा, दो, तो ओ एच और टू एड, टू एड टू निकल के बना गया एन ए टू सी ओ थ्री बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप एक दो भी याद कर रहे, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना दे, किसका बना दे, कोई बी के एस सी एन का बना दो, चलो तो एस सी एन और बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितने ओ एच निकलेंगे, दो, तो टू एच वहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा बी ए सी एन होल टू एच बनेगा। ऐसे आप ढेर सारे बना सकते हो, ठीक है, और भी चाहो आप तो और बना लो, इसके साथ बना लो, इसके साथ बना लो, इसके साथ बना, इसके साथ ढेर सारे एग्जाम्पल है। चलिए तो ये सब आपके एसिडिक बफर सॉल्यूशन के उदाहरण हो गए। बीक एसिड है, और उसी बीक एसिड का सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ऐसे और भी आप ढेर सारे बना सकते हो, है ना। ऐसे और अगर हम बना दें, अगर आपके देखें जैसे इसका बना दें बेंजोइक एसिड का, तो एक बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और बेंजोइक एसिड का सॉल्ट क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, या फिर पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। ऐसे जैसे इसका बना दें किसके साथ बना दें, इसका चलो एन ओ एच के साथ बना दें, तो क्या बन जाएगा, एच टू एस, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, एन टू एस, या फिर एच टू एस सॉल्ट क्या हो जाएगा, के टू एस, है ना। ये और देख लें, एच टू एस और इसके साथ बना दें तो क्या बन जाएगा, बी एस बन जाएगा, क्यों, दो ओ एच और दो एच क्या निकल जाएगा, टू एच टू, यहाँ से बी ए पे प्लस टू आएगा और एस पे क्या आएगा, माइनस टू, तो प्लस टू और माइनस टू क्या बन जाएगा, बी ए। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बन जाएगा। चलो इसके लिए डालो हेडिंग, इसके लिए एक इक्वेशन भी देखना है, हेंडरसन इक्वेशन, उसका न्यूमेरिकल भी करना है, रब कर दे। हेडिंग बनाइए हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन हैंडर इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक देखो तो बच्चे ये होता है पीएच इक्वल पी के, आसान है बड़ा याद करना, पी एच इक्वल पी के प्लस लॉग, लॉग ऊपर रहेगा सॉल्ट और नीचे रहेगा एसिड, कौन सा सॉल्ट है जल्दी बताओ, और कौन सा एसिड, वीक एसिड रहेगा, और सॉल्ट कौन रहेगा, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, यहाँ बताओ क्या रहेगा सॉल्ट, कैसा सॉल्ट रहेगा, बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यही सॉल्ट बना रहे ना अपन, चेक करो, तो ये जो सॉल्ट रहेगा वो बीक एसिड का रहेगा विथ, उसी बीक एसिड का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस का, बीक एसिड प्लस बीक एसिड जो सॉल्ट रहेगा हमारा, बीक एसिड जो सॉल्ट रहेगा वो सॉल्ट किसका रहेगा, बीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, जी हो गया हेंडरसन इक्वेशन। चलो बेसिक बफर सॉल्यूशन लिख के दिखाओ सब लोग अपने मन से, और बेसिक बफर सॉल्यूशन बना के दिखाओ, हेंडरसन इक्वेशन लिखो, हेंडरसन इक्वेशन तो हम लिखवा देंगे, अभी पहले बेसिक हेडिंग डालो बेसिक बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, चलो डालो यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन, अपने मन से डेफिनेशन को, इसमें बीक एसिड था तो उसमें क्या रहेगा, बीक बेस, बीक एसिड था तो बीक एसिड का सॉल्ट लिया था किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसमें बीक बेस है तो बीक बेस का सॉल्ट लेंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, लिख के दिखाओ सब लोग, बना के दिखाओ हमें कुछ फॉर्मूले, ठीक है, हम आपके सामने ये लिख देते, बीक बेस के कुछ नाम लिख देते,
वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, है ना, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो इतना वीक है कि ये एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अमोनिया वीक बेस है, एमाइन वीक बेस है, जितनी भी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की है ना, ये सब वीक बेस है आपकी, वीक बेसिस, और आर वीक बेस है ना। पिरीडीन भी आपकी वीक बेस है। क्या होता है फॉर्मूला पिरीडीन का? C5H5N, ये हो गए वीक बेस, है ना, और भी बहुत सारे। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो शायद आप लोगों को पता होंगे, HCl, HF, HI, HNO3, H2SO4, परक्लोरिक एसिड, CLO4। चलो लिखो डेफिनेशन जल्दी से लिखो, 1 मिनट में आते हैं सब लोग डेफिनेशन लिख के दिखाओगे।
बिल्कुल सही है, सही लिखी है सबने। yes, नहीं किसी ने तो नहीं लिखी होगी, जल्दी बताओ किसने लिखी है। ऐसी ऐसे ही बिल्कुल तो ऐसी ना होगी, थोड़ा तो फर्क होगा। लाइक लो दो कोई दिखाओ काजल। एक ही दो बनाए और बनाओ दिखाओ। बोलो सेम टू सेम गाय चल रहा है तुम और काजल, वाई फाई है तो उसने तो वहाँ देखो ही है ना, तो काय समझ के लिखा ना तुमने। बिल्कुल बाइक बिल्कुल सेम टू सेम काय चल रहा है, आगे पीछे काय नहीं है। नहीं देखिए, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होगा आपका, बेसिक बफर सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा, वीक बेस प्लस उसी वीक बेस का हमें चाहिए सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस। अच्छा, जब वीक एसिड था तो स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इस बार वीक बेस है तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने। फॉर्मूले कितने बनाए, हाँ कितने बनाए, हाँ अभी नहीं बनाए तो एक बार ऊपर जाए, एक बार मार्केट घूमे, शॉपिंग कराए, का कटनी होके आएंगे एक बार। बिग बेस इसकी HCl से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बन जाएगा। और बनाओ इसी का। अब बहुत लोगों को दिक्कत ये आ गई, पहले पॉजिटिव लिखेंगे, हमेशा फॉर्मूले में पहले पॉजिटिव लिखा होता है फिर एक्सेप्शन कार्बोजिलिक एसिड्स, कार्बोजिलिक एसिड्स के फॉर्मूले में पहले निगेटिव लिखा रहता है बाद में, बाकी जितने भी फॉर्मूले हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा रहता है फिर निगेटिव। जब भी फॉर्मूला बनता है तो कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा रहता है फिर नहीं। लेकिन कार्बोजिलिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला उठाओगे तो उसमें पहले नेगेटिव पार्ट रहता है फिर, तो इसमें भी उल्टा रहता है, बाकी हमेशा पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव। फॉर्मूले में समझ में आया, हमेशा पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव, लेकिन कार्बोजिलिक एसिड बेस में पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका बना दो HNO3 से, तो यहाँ से क्या मिलेगा NH4 पॉजिटिव और वहाँ से क्या मिलेगा NO3 नेगेटिव। तोड़ना आता है सबको, ये टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, HNO3 तोड़ेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से OH क्या निकल गया 2, यहाँ से क्या बचा NH4 और यहाँ से क्या NO3 अमोनियम नाइट्रेट। और बनाओ वो भी बना दे रहे, अभी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। H2SO4 के साथ बनाओ इसके तो क्या बनेंगे, जल्दी बताओ। NH4 होल्ड टू SO4 कैसे बनेंगे, H2SO4 टूटेगा तो क्या देगा, 2H+ देगा और SO4 कितना देगा, -2। तो कितने OH नेगेटिव चाहिए, 2, तो इनको 2 लेना पड़ेगा ना, तो 2OH और 2H क्या निकल गया, 2O। अब NH4 कितने बचे, 2, और SO4 कितना बचा, 1, 2 पॉजिटिव, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। कभी भी ऐसी स्पीसीज होती है जो एक से होती है तो उसके नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कोई स्पीसीज है उसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं तो उसके नंबर बताने के लिए हमेशा होल लगाना पड़ता है, जैसे OH, अगर इसका नंबर बताओगे तो हमेशा क्या लगाओगे, होल लगाओगे आप, है ना। सिंगल अगर कोई भी चीज़ है तो उसके नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी अगर एक से ज़्यादा रही तो उसके होल लगाने पड़ते। तो अमोनियम सल्फेट और बनाओ, और बनाओ फॉर्मूले, और कौन सा बनाए, चलो एल्यूमिनियम का बना ले, एल्यूमिनियम
नहीं बताया ना, जब सिंगल स्पीसीज होती है तो वो डायरेक्ट सीधे लिख जाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड, यही होगा। कितने ओ एच हैं? तीन, तो कितने सी एल लगेंगे? तीन। इसके साथ एच एन ओ थ्री साथ लगेगा, होल एन ओ थ्री में। तो देखिए यहाँ से आया ए एल प्लस थ्री, क्योंकि कितने ओ एच नेगेटिव निकल गए? थ्री। और एच सी एल, एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, कितने एच चाहिए? तीन। तो कितने सी एल लेने पड़ेंगे? तीन, तो तीन सी एल। तो यहाँ से बचा ए एल और यहाँ से सी एल, तो ए एल सी एल थ्री। और बनाओ अमोनिया के, बनाओ अमोनिया के थोड़े अलग तरीके से बनेंगे, लेकिन वहाँ एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव वाला काम तो है ही नहीं, आप देख रहे हो अमोनिया के लिए। तो अमोनिया वीक बेस है एन थ्री, इसकी रिएक्शन कराओ सी एल के साथ, तो एन एच थ्री और एस सी एल, जे इलेक्ट्रॉन देगा ये एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, तो ये देगा तो क्या बन जाएगा? एन एच फोर सी एल, अमोनियम किलो राइट। इस प्रकार से कहाँ पढ़ी है इस प्रकार की रिएक्शन? अपने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में पढ़ी है, एन एच फोर सी एल। और बना लो पिरीडीन का, बना लो सी फाइव एच एन एच थ्री और एस सी एल का एन एच थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और एस सी एल में जब टूटेगा तो क्या देगा? एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन देगा तो एन एच थ्री से क्या हो जाएगा? एन एच फोर। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा? सी एल, बन गया एन एच फोर सी एल। ऐसे पिरीडीन की रिएक्शन करा दो, किससे करा दे पिरीडीन की रिएक्शन? जिससे आपको उससे करा देते हैं सी फाइव एच फाइव एन, ठीक है। तो देखिए पिरीडीन की रिएक्शन करा देते हैं हम, एच एन ओ सी पहले सी एल से करा देते, सरल बन जा वाला बन जाएगा सी फाइव एच फाइव एन एच सी एल, यही बनेगा। देखिए सी फाइव एच फाइव और एन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है? एक। पिरीडीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये होती है पीरी नाइट्रोन पे एक लोन पेयर होता है, ये एस सी एल को देगा एच पॉजिटिव सी एल निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? एन एच, और इससे क्या जुड़ जाएगा? सी एल निगेटिव, है ना। ऐसे ढेर सारे आप बना सकते हो, जॉन जॉन से बनाने को। ये हम आपको तरीके ऐसे थोड़ी कि आपको इतने सारे एग्जाम्पल लिख के आ जाने, एग्जाम में एक दो लिख दो बहुत है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। और किसका बनाएं? एनिलीन का बना लो, तो एनिलीन सी सिक्स एच फाइव एन एच टू, और इसका किसके साथ बना दें? एस सी एल के साथ बना दें, तो ये बन जाएगा एन एच थ्री सी एल एनिलीनियम क्लोराइड, यही बनेगा। जब इसकी रिएक्शन एस सी एल से करा दोगे एन एच टू प्लस एस सी एल नेगेटिव पॉजिटिव, इसको देगा तो कितना हो जाएगा? एन एच थ्री, और इस पर पॉजिटिव, और इससे जुड़ जाएगा सी एल नेगेटिव, ठीक। तो ये तो आपको तरीके बताए हमने, बाकी एक दो एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, थोड़ी लिखने पड़ते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कौन सा वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर कैसे करोगे? तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। चलिए डाली हैंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, हैंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, तो उसमें पी एच था तो इसमें होगा पी ओ एच, उसमें पी के था तो इसमें क्या होगा? पी के भी प्लस, बाकी वही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? सॉल्ट, और नीचे क्या रहेगा जल्दी बताओ? नीचे क्या रहेगा? कौन सा वाला? उसमें एसिड था तो इसमें क्या रहेगा? वीक बेस रहेगा ना इसमें, सॉल्ट और नीचे, क्योंकि ये बेसिक बफर है ना। तो आप जानते हो ये कौन सा बेस है? वीक बेस, और ये सॉल्ट किसका है? वीक बेस का ही है। किसके साथ? है ना, सॉल्ट है ये तो वीक बेस का, तो ये जो सॉल्ट है आपका वीक बेस, तो ये सॉल्ट है वीक बेस का किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो जी बच्चों, आपको बफर कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल।
बफर वाले की। फिर आते हैं अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें भी खूब फॉर्मूले बनने हैं। फिर आपका इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ा सरल याद, पीएच के साथ पीके, तो पीओएच के साथ पीके भी। सॉल्ट एसिड के लिए एसिड और बेस के लिए बेस। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.001 मोलर सोडियम एसिटेट। क्या होगा फॉर्मूला? एसीटेट मतलब C3CO नेगेटिव, सोडियम एसीटेट मतलब C3CONA, पोटेशियम एसीटेट C3COK, सिल्वर एसीटेट C3COAG, कैल्शियम एसीटेट बताओ। कैल्शियम हाँ, सीए तो बताओ, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट। बहुत बढ़िया, कैल्शियम एसीटेट फिर सी आएगा। इसका रीजन है कि CH3COO नेगेटिव होता है तो Na पॉजिटिव तो एक जुड़ जाएगा, K पॉजिटिव तो एक जुड़ जाएगा, Ag पॉजिटिव तो एक जुड़ जाएगा, लेकिन कैल्शियम पे कितने होते हैं +2, तो इसके कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, तो CH3CO2CA। और अगर एल्यूमिनियम एसीटेट होता तो कितना लग जाता, होल थ्राइज हो जाता है ना। एक बार ये है कि एसिटिक एसिड जब भी टूटता है तो क्या देता है, CH3CO नेगेटिव। अब हम आपसे कह दें कि Na से Cl जोड़ो, कितने जोड़ोगे, एक जोड़ोगे, Ca से Cl जोड़ के दिखाओ, तो वही तो चल रहा है चार्ज बैलेंस। क्योंकि ये सब मोनो पॉजिटिव थे तो एक एक जुड़ गए, लेकिन ये तो डाई पॉजिटिव है ना, तो इसका कितना लगेगा, दो लगेगा ना बैलेंस करने के लिए, तो वही तो चल रहा है। अब इसमें वीक एसिड कौन है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ये वीक एसिड है और वो सॉल्ट है, किसके साथ बनाया होगा, NaOH के साथ है ना। नहीं हाँ तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, हमें हमें आपकी कोई शक नहीं है, हाँ तो आप लोग पावरफुल तरीके से बोला था। कैलकुलेट द पी एफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, हम कुछ नहीं करते बेटा, सब आप ही लोग हो जिम्मेदार। व्हेन सोडियम एसीटेट, व्हेन दे मिक्स्ड टुगेदर फुल स्टॉप, पी के फॉर एसिटिक एसिड, पी के फॉर एसिटिक एसिड इज 4.74। चलिए करके दिखाइए जल्दी से,
चलिए फिर बेसिक का भी एक न्यूमेरिकल देते हैं। जब आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप फटाफट काम करेंगे, अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है तो काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। बीक एसिड कौन है इसमें? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया गया? 0.01 मोलर, दैट इज इनवर्स 2 मोलर हो जाएगा आपका। और अब देखो सोडियम एसीटेट चेक करो ये क्या दिया गया है। सोडियम एसीटेट बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दिया गया है, तो सोडियम एसीटेट। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें हमें कौन से बफर का पीएच निकालना है, एसिडिक। तो हेंडरसन एसिडिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितना है? 0.001 मोलर, ठीक है। और क्या दिया गया है? पीके, वो तो चलो पीके यही से पता चल गया अपन को, 4.7। इसका फिक्स है 4.74 ही होता है पीके। पहले भी हमने न्यूमेरिकल कराया उसमें भी पीके वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 4.74 ही आएगी। चलो हैंडर इक्वेशन बताओ काजल, बिना पलटे कॉपी लिखते लिखते याद कर रहे हैं ना। हैंडरसन इक्वेशन बताओ एसिडिक बफर का। दीवार में बेटा प्रिंट छप जाए, लिखते लिखते याद। पीएच इक्वल है पी पीके ए एंड सॉल्ट अपॉन हां सॉल्ट अपॉन। नैन्सी तुम पूरा वो कॉपी खोल के रखो ना, तुम पूरी मत नहीं देखा हमने यार, तुम पूरी मदद करो उसकी। तब भी गलत है? नहीं तो हम तो नहीं कहते ना गलत हो। चलो बताओ कौन सा? तो बताओ पीएच इक्वल पीके ए इक्वल इक्वल नहीं प्लस प्लस ऐसे ना बीस अपॉन ऐसे। हाँ हाँ सही सही है। पीएच इक्वल पीके इतना कितना भी असल ऐसे पांग इतना बढ़ पाओ, इतना सिंपल था। पी एच इक्वल पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पी एच इक्वल पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। जी तुम लोग फॉर्मूले याद कर रहे, सुबह तुमने कहा था ना चलो तुम्हारे टेस्ट हो जाए। यहाँ देखो बेटा यहाँ कि सर इतना तो फॉर्मूला याद कर ले, इतना बड़ा हल्का है करें है ना यहाँ पर है ना। चलो यहाँ देखो यहाँ पर, चलिए पी एच निकालना है बी के एसिड के लिए, फॉर्मूला बताओ। उतना बड़ा नहीं लगाने अपन को, अपन को ट्रिक से याद करने। हाँ बेटा इतनी तेज पिटाई हुई है भूल जाओ, तो कोई तरीका नहीं कि सुबह से शाम हो गई तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। बताओ बताओ। हाँ कहानी आ रहा हूँ हम बता दे रहे। पी एच इक्वल 1/2 आगे बताओ। तो फिर तुम तो कह दी तोड़ लगा के याद कर ले। हाँ ठीक है करना लेंगे बेटा, अभी अभी हम तीन चैप्टर सुनेंगे आज, आज तीन जो सुबह दिए थे और कल फिर अलग सुनेंगे है ना। तो ये तो फिर क्लियर ही हो गया कि इक्विलिब्रियम याद नहीं है तुम्हें याद करके। कोई भी कॉपी में लिखा हो हम नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। फ्रॉम हैंडर्सन इक्विलिब्रियम हमने सुबह बहुत कहा था कि याद करके आना, तो लोग बिल्कुल मजाक में मत लो। किसका आंसर आ गया? फ्रॉम हैंडरसन इक्वेशन, तो बफर सोल्यूशन की बात चल रही थी तो हैंडरसन। और आपको घर में जाकर खूब अभ्यास करना पड़ेगा, कैसे पकड़ोगे नहीं तो कौन से वाला पीएच का फॉर्मूला कहाँ लगना है। हम पेपर बनाते हैं ना तुम लोग का ग्रुप वाला बेटा।